सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज फाइनली हमारे चैनल पे वो होने जा रहा है जिसका सबसे ज्यादा डिमांड था, न्यू आर्ट कंपटीशन। तो इस आर्ट कंपटीशन में मैंने सब्जेक्ट के लिए इस रेफरेंस को चुना है। जी हाँ, आपको नीरज चोपड़ा सर को ड्रॉ करना है। एंड इस बार हमने इस आर्ट कंपटीशन को दो ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। 16 इयर्स या 16 से ऊपर जितने भी आर्टिस्ट रहेंगे उनका आर्टवर्क्स ग्रुप ए में आएगा, एंड 15 इयर्स आप 15 से नीचे जितने भी आर्टवर्क्स रहेंगे वो ग्रुप बी में आएंगे। तो आपको अपने आर्टवर्क्स को हमें इस ईमेल पे सेंड करना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड हाँ गाइस, पिछली बार जब हमने आर्ट कंपटीशन लिया था तो मैंने भूल से, तो जो हमारे टॉप 10 थे उसमें एक दो रेमनी यूजर्स थे उनका भी आर्टवर्क्स आ गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर आप रेमनी या फिर इस तरह के किसी ऐप का यूज करते हैं तो आपके आर्टवर्क्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप अपने रियल आर्टवर्क्स को सेंड करो ना यार, क्यों इस तरह के ऐप का यूज करते हो इनहेंस करने के लिए उसे। एंड एक चीज़ और, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में बहुत ढेर सारे आर्टवर्क्स बनाए गए थे नीरज चोपड़ा सर के, तो आप किसी भी आर्टिस्ट का आर्टवर्क कॉपी करके सेंड नहीं कर सकते। मैं चेक करता रहूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का आर्टवर्क सेंड करना है। एंड इस आर्ट कंपटीशन का लास्ट सबमिशन डेट जो है 31 अगस्त है, एंड इसके दो दिन बाद मीन्स 2 सितंबर को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो आप इत्मीनान से अपने आर्टवर्क्स को ड्रॉ करिए, फिर हमें सेंड करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस के बारे में। इस आर्ट कंपटीशन में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के जो दोनों विनर होंगे उन दोनों को अप्सरा का चारकोल पेंसिल, अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर एंड डॉम्स का ऑयल पेस्टल कलर दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप आराम से अपने आर्टवर्क्स को ड्रॉ करिए और 31 अगस्त से पहले अपने आर्टवर्क्स को सेंड करिए। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।